गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का नया दिन, नई शुरुआत, नई जर्नी। तो मैं हूँ आपके साथ आपके रूपाली मंदिरों के शहर जम्मू से। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अभी बाबा जी के मंदिर के कबाट खुले हैं आज सुबह, कीजिए दर्शन कबाट के। अभी मंदिर खुला है और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, लाइनें पूरी फुल पड़ी हैं यहाँ पे। तो ये हो रहे हैं हमारे बाबा जी के दर्शन। तो आज की मॉर्निंग मेरी यहाँ से, सुबह का सोमवार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं निकलूंगी अब यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि अब हम जाएंगे नीचे। तो चलते हैं बाबा बर्फानी को बाय बाय टाटा करते हुए। सो हर हर महादेव, जय केदार बाबा। तो आज की मॉर्निंग मेरे बाबा जी के साथ, तो जय बोले। मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। तो हम हेलीपैड पे आ चुके हैं, हमारी टर्न आने वाली है। तो पहली ही फ्लाइट से हम जाएंगे नीचे फाटा। वार्निंग बाइक्स। सो फ्रेंड्स, हम नीचे आ गए हैं और ये देखो ये गाड़ियाँ कहाँ तक है, ये ट्रैफिक जैम है। जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ तक गाड़ियों का तक जैम है। सोनप्रयाग से यहाँ तक ट्रैफिक जाम चल रहा है और हमारी कोशिश है आज हरिद्वार पहुँचने की। हम आए हैं अभी दारा देवी के मंदिर। तो ये है हमारा दारा देवी का मंदिर। तो चलते हैं, करते हैं, करवाते हैं आपको दर्शन दारा देवी के। तो लेट्स गो, जय माँ दारा देवी। सो फ्रेंड्स, ये रहे दारा देवी का मंदिर। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, इसका ट्रैक है ऐसा। तो जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। तो यहाँ दूर से हमें दिख रहा है दारा देवी का मंदिर, नदी के अंदर है ये। दारा देवी के यहाँ मार्केट लगी हुई है, यह है एंट्रेंस माता के मंदिर की। दारा देवी।
सो फ्रेंड्स, इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि ये एक शक्तिपीठ मंदिर है और ये दारा देवी के नाम से मंदिर है। माता का नाम दारा देवी है और कहा जाता है उत्तराखंड की रक्षक यही माता है। इस मंदिर में आने के लिए मेरी बहुत ही ख्वाहिश थी और वो आज ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है कि आज मैं माता दारा देवी के दर्शन करूंगी। तो फ्रेंड्स, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलो नहीं थी, तो ऐसा है कि दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। जो माता की मूर्ति है वो किसी शेड के नीचे नहीं है, वो ओपन है। और ऐसा है कि यहाँ पे माता की मूर्ति जो है वो दिन में 3 बार अपना रूप चेंज करती है। सुबह वो एक कन्या के रूप में होती है, दोपहर को एक जवान युवती की तरह होती है और रात को वो एक बूढ़ी औरत का फेस ले लेती है। तो ऐसा कुछ यहाँ का रहस्य है। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरह हो गए हैं, बहुत ही आहिस्ता बड़े प्यार से दर्शन करवाए गए, बहुत मजा आया। जय माँ दारा देवी, सबकी रक्षा करना। आगे हम बाहर दर्शन करके फ्रेंड्स, अब हम आए हैं यहाँ पे संगम में, देवप्रयाग में जो संगम है। एक साइड से आ रही है भागीरथी, दूसरी साइड से आ रही है अलकनंदा। जब दोनों का मिलन होता है तो यहाँ पे बना है देवप्रयाग और आगे से बन गई है वो गंगा। तो हम जा रहे हैं अभी उन्हीं के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं हम आगे, करते हैं दर्शन। तो फ्रेंड्स, ये रही सीढ़ियाँ नीचे, ये सारी की सारी सीढ़ियाँ ही हैं नीचे जाने की। तो ये जा रही हैं संगम की तरफ। हाँ, संगम घाट देवप्रयाग। ये रहा संगम। ये रहा संगम, देवप्रयाग संगम। बहुत ज्यादा रश है। ये है संगम, करिए आप भी दर्शन संगम के। भागीरथी और अलकनंदा दोनों यहाँ पे टकराती हैं और बनती है गंगा। जय गंगे मैया। तो ये आ रही है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आती है। और दूसरी तरफ जो आप पानी देख रहे हो, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर है, वो है हमारी भागीरथी जो आती है गंगोत्री से। और दोनों का यहाँ पे संगम है और यहाँ से आगे बन जाती है गंगा। और कुशान, कितना मजा आया फिर आज ट्रिप में? बहुत मजा आया। सच में हमने बहुत एंजॉय किया ना, बहुत ही ज्यादा। चंदू ने आपने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। कहाँ कहाँ गए फिर आप? फटा वो केदारनाथ में ही आ जाता है फटा। हम रुके हैं लंच करने के लिए। तो ये एक जगह है, अब जगह कौन सी है ये तो मुझे इतना खास पता चल नहीं रहा है, बट जो भी है अच्छी जगह है। यहाँ पे बस बद्रीनाथ कोडियाला ही लिखा हुआ है, तो यही लोकेशन है हमारी यहाँ पे। हाँ, टेरी गढ़वाल यूके। तो है यहाँ पे एंजॉय पहाड़ों वाली मैगी, नेगी भोजन वाले। तो चलते हैं यहाँ पे, करते हैं लंच।